नॉलेज मैनेजमेंट में इस्तेमाल होने वाली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जब हम डिस्कशन करते हैं उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विकीज़ का अब ये जो विकीज़ हैं ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नॉलेज की क्रिएशन में और नॉलेज की शेयरिंग दोनों में काम आती है विकी का कन्सेप्ट है क्या इट इज़ अ वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर दैट स्पोर्ट्स ओपन एडिटिंग विच अलाउस मल्टीपल यूजर्स टू क्रिएट एंड एडिट कंटेंट ऑन अ वेबसाइट एक वेबसाइट की शक्ल का एक पेज होता है जिस पेज में यूज़र मिल के तो कंटेंट क्रिएट भी करते हैं उसको एडिट भी करते हैं अबिकी साइट ग्रोज एंड चेंजेस एट द विल ऑफ द पार्टिसिपेंट इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी मर्जी से उसमें कंटेंट आता है उनकी मर्जी से एडिट और डिलीट होता है उनकी मर्जी से अपडेट होता है पीपल कैन एड एंड एडिट पेजेज़ एट विल यूजिंग आ वर्ड लाइक स्क्रीन एम एस वर्ड की तरह की स्क्रीन होती है विदाउट नोइंग एनी प्रोग्रामिंग और एच टी एम एल कमांड्स अब इसके पीछे कमांड्स क्या हैं इससे उन्हें कोई गर्ज नहीं होती ना वो कमांड नज़र आ रही होती हैं ना उनके लिए कोई मुश्किल पैदा करती हैं वो एम एस वर्ड की तरह का उनके सामने एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर वो टाइप करते हैं और पीछे जो एच टी एम एल है या प्रोग्रामिंग है वो बैक एंड पे काम कर रही होती है और उसके नतीजे में वो कंटेंट जो है वो क्रिएट होता है और दूसरा यूजर आके उसे एडिट करता है अ विकी इज कम्पोज ऑफ वेब पेजेस वेर पीपल इनपुट इंफॉर्मेशन एंड देन क्रिएट हाइपर लिंक्स टू अनदर पेज और 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 क्रिएट न्यू पेजेस फॉर मोर डिटेल्स अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक इसमें क्या होता है कि जो पेजेस डिफरेंटली क्रिएट होते हैं उनको आपस में हाइपर लिंक्स की मदद से आपने अक्सर देखा होगा कि एक हाइपर लिंक जो है वो ऐसे हाथ का उंगली का निशान और आम तौर पर हमें एक ब्राउज़र में नीले रंग की शक्ल में वो नज़र आता है एक लिंक उस नीले रंग के लिंक के ऊपर अगर वो हाथ का निशान हम क्लिक करें तो हम एक पेज से दूसरे पेज पे चले जाते हैं तो जैसे वेब पेजेस काम करते हैं हाइपरलिंक का इसी तरह से विकिस में भी हाइपरलिंक इस्तेमाल होती है एनीवन कैन एडिट एनी पेज एंड एड और डिलीट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन इसमें क्या होता है कि कंटेंट की क्रिएशन और अपडेशन का सारे का सारा काम उसके जो यूज़र्स हैं उसके हाथ में होता है अ सर्च फील्ड एट द बॉटम ऑफ द पेज लेट्स यू एंटर अ कीवर्ड फॉर द इन्फॉर्मेशन यू वांट टू फाइंड उसमें खास जगह पे कुछ की एक या एक से ज़्यादा दिए जा सकते हैं कि जिसकी मदद से वो इन्फॉर्मेशन सर्चिंग के काबल होती है अगर आप विकीज़ की टाइप्स देखें तो ये दो हैं सबसे पहले हैं पब्लिक ये जो जनरल पब्लिक के लिए हैं वर डेवलप्ड फर्स्ट एंड आर फ्री व्हीलिंग फोरम्स विद फ्यू कंट्रोल्स इसमें कंट्रोल कम से कम होता है आम लोगों को मौका दिया जाता है कि वो जो चाहें क्रिएट करें उसको एडिट करें उसको अपडेट करें एक दूसरे से इख्तलाफ भी करते हैं इंफॉमेसन को डिलीट भी करते हैं फिर उसमें ऐड भी करते हैं और इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल जो है वो विकीपीडिया की शक्ल में है कि जो एक फ्री इंटरनेट बेस्ड इंसाइलोपीडिया है उसको दुनिया के आम लोग क्रिएट करते हैं और आम लोग मिल ही उसे अपडेट रखते हैं और इस वक्त इसका इस्तेमाल जो है वो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा हो रहा है और दूसरी जो टाइप है विकीज़ की वो कॉरपोरेट विकीज़ होती हैं जो एक आर्गेनाइजेशन अपने स्टाफ के ज़रिए से अपने अपने कामों के लिए उसे बनाती है इट प्रोवाइड इंटरक्टिव फोरम्स फॉर ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स एंड कम्युनिकेटिंग विद एम्प्लॉइज़ ओवर देयर इन हाउस इंटरनेट्स ये आमतौर पर इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होते ये इन हाउस जो लोकल उनका नेटवर्क होता है इंटरनेट जिसे बोलते हैं उस पर अवेलेबल होता है और कॉरपोरेट विकीज़ की अगर हम बात करें ख़ास तौर पर और जाहिर है इन्हीं के ज़रिए से हम नॉलेज शेयरिंग का काम करेंगे किसी इदारे के अंदर अ वकी कैन बी एस्टैब्लिश फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विद द प्रोजेक्ट टीम गिवन एक्सेस टू अपडेट द स्टेटस ऑफ टास्क एंड एड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड स्प्रेड शीट्स तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हर प्रोजेक्ट की एक अलग अलग विकी क्रिएट की जा सकती है कि जितने लोग भी उस पे काम कर रहे हैं वो आपस में नॉलेज को शेयर करें उस एक विकी पे इंफॉर्मेशन को अपडेट करें और जो रेलिवेंट स्प्रेड शीट या डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उसके साथ अटैच करें इट्स सेंट्रल लोकेशन मेक्स इट ईजी टू कीप एवरी वन एंड अप टू डेट रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर ऑफिस होम ऑफिस लोकेशन और टाइम जोन तो ये एक असिंक्रोनस मोड होता है इसमें टाइम जोन का फ़र्क है इसमें जोग्राफिकल लोकेशन का फ़र्क है इससे रिगार्डलेस इंफॉर्मेशन जो है वो आपस में शेयर करते रहते हैं विकी इज़ मोर रिलायबल, फास्टर एंड एफिशेंट दैन ई मेल ई मेल की नस्बत ये ज़्यादा रिलायबल है एफिशेंट है फास्टर है तो विकीज़ के ज़रिए से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकती है विकी सॉफ़्टवेयर की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन इस सॉफ्टवेयर को परचेज़ करती हैं फॉर सिक्योरिटी रीजनस कॉर्पोरेशं बाय विकी सॉफ्टवेयर रादर दैन रिलीज स्पेस ऑन द इंटरनेट इंटरनेट के साथ उसे नहीं अटैच करते ऑर्गेनाइजेशन अपने लोकल एरिया नेटवर्क पे या इंटरानेट पे उसको यूज़ करती है उसके अंदर फायर होते हैं और वो लोकली यूज़ होता है और एज एन एक्स्ट्रा नेट इफ़ कस्टमर्स और वेंडर्स आर अलाउड एक्सेस अगर ऑर्गनाइजेशन ने दूसरी ऑर्गनाइजेशन के साथ मिलकर काम करना है तो फिर इसे एक्स्ट्रानेट के ज़रिए इस्तेमाल करती है सॉफ्टवेयर को विक्की सॉफ्टवेयर हैज़ ऑथराइजेशन एंड पासवर्ड सेफ गार्डस और कंट्रोल्स रोल बैक वर्जनस तो इन्फॉर्मेशन कैन बी रिस्टोर टू इट्स फार्मर स्टेट इन्फॉर्मेशन अगर किसी ने एडिट कर दी है तो उसको पिछली स्टेज पर भी ले जाके देखा जा सकते है इसको रोल बैक वर्जन कहा uh, इस किस्म के सॉफ्टवेयर में ये भी अवेलेबल होती है फैसिलिटी एंड ईजी अपलोड कैपेबिलिटीज़ फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड इमेज़ इमेजेस डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर अपलोड करने हैं कोई वर्ड की पीडीएफ की फ़ाइल या कोई एक्सेल की फ़ाइल अपलोड करनी है तो ये सॉफ्टवेयर इस किस्म की प्रोविज़न देते हैं सम विकी सॉफ़्टवेयर नोटिफाई यूज़र्स वेन न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ एडिड के बाद सॉफ्टवेयर ये भी करते हैं कि जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन उसमें आती है या कोई इन्फॉर्मेशन एडिट होती है जितने भी उसके यूज़र्स होते हैं उनको ईमेल के ज़रिए या मैसेजिंग के किसी और सिस्टम के जरिए उनको एक नोटिफिकेशन भी भेज दिया जाता है ये फैसिलिटी भी जगहों पे अवेलेबल होती है तो गर्ज़ ये कि विकीज़ का जो मामला है विकीज़ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ख़ास तौर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो इंफॉर्मेशन है उसको सारे स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करने का एक मोस्ट इफेक्टिव ज़रिया है